नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी प्याज को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप ना जाने कितनी भयंकर बीमारियों से बच पाएंगे और घर बैठे बैठे उनका इलाज कर पाएंगे। अगर आपसे मैं कहूं कि आज से आपको बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पर मिल जाएगा बिना पैसा खर्च करे, वो भी छोटे से प्याज के कारण, तो खुशी कितनी होगी ना। क्योंकि जो हम लोग पूरा दिन भागदौड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो दवाइयों में तो खर्च करने के लिए मेरे हिसाब से कोई नहीं कमाता होगा। तो क्यों ना आपके पैसे सही जगह इस्तेमाल किए जाए, आपकी सेहत भी करा रहे और आपके पैसे भी सेविंग में जुड़े, ना कि डॉक्टर की जेब में। तो चलिए, इस बेहतरीन से वीडियो को जानने के लिए आपको करना होगा वीडियो को जमकर शेयर, क्योंकि आज जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दिल से बहुत सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा लाइक करके और शेयर करके। तो चलिए जानते हैं प्याज से होने वाले अद्भुत फायदों के बारे में। अगर आप जिंदगी भर अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं और हार्ट अटैक की समस्या से बचना चाहते हैं तो आज से ही प्याज खाना शुरू कर दें। अब आप लोग सोचेंगे कि प्याज से हार्ट अटैक का क्या लेना देना, तो उसका भी लॉजिक बता देती हूँ। क्योंकि प्याज में पाई जाने वाला क्वेरसेटिन गुण हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट और साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, जो हृदय को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाता है। प्याज कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कंट्रोल करता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होगा तो ऑलरेडी आपका जो ब्लड है वो अंदर से प्योर रहेगा, क्लींस रहेगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं हो सकती। अगर आप भी चाहते हैं अपनी मजबूत हड्डियां पाना, आपकी भी जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत है या आपकी हड्डियाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, तो ऐसे में आप प्याज का इस्तेमाल शुरू करें। क्योंकि प्याज में पाया जाने वाला क्वेरसेटिन इतना असरदारी है जो आपके शरीर में पुराने से पुराने अर्थराइटिस को खत्म करने की दम भरता है। तो आज से ही प्याज का इस्तेमाल शुरू करें। और अगर आप भी मौसम के बदलते जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपको बुखार खांसी लगा रहता है, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन क्या है, प्याज का। क्योंकि प्याज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्याज में मौजूद फाइटोकेमिकल शरीर में विटामिन सी को बढ़ाने का काम करते हैं। प्याज में सेलेनियम भी होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है। प्याज का सेवन करने से शरीर में विटामिन सी की मात्रा अच्छी हो जाती है। इससे आपके शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स खत्म होते हैं और आपके शरीर से सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो आपकी खूबसूरती भी बनी रहती है, क्योंकि आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता। तो आज से कच्चे प्याज का इस्तेमाल शुरू करें और अपनी खूबसूरती को, अपने पाचन तंत्र को और बहुत सारी चीजों को बेहतर बना सकें। अगर आप अपने आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल करें। प्याज और आंखों का संबंध बहुत अजीब होता है। इसे काटने पर आंखों में पानी निकलता है, तो खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। प्याज के सेवन से शरीर में ग्लूटाथियोन का निर्माण होता है, जो प्रोटीन का एक प्रकार है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। शरीर में ग्लूटाथियोन की अधिक मात्रा यानी काला व सफेद मोतियाबिंद और आंखों से जुड़ी अन्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है। प्याज में सेलेनियम होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मिलता है और आंखों के लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर आप भी अपनी आंखों को बेहतर बनाना चाहते हैं, मोतियाबिंद से दूर रहना चाहते हैं, तो जरूर इसका सेवन करें। अगर आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है और मैं आपसे कहूं कि प्याज खाना शुरू कर दें तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन प्याज में एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत बेहतर होता है। साथ ही जो प्याज होता है, जब हम उसको कच्चा खाते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं जो जमा हो जाते हैं, उनको निकालता है और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ आपके स्ट्रेस हार्मोन को डिक्रीज करता है। तो अगर आपको भी बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस है, हर इंसान को है, लेकिन उसको अगर कम करना चाहते हैं तो प्याज का सेवन जरूर करें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। अगर आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाना चाहते हैं, आपको भी कब्ज की समस्या, ब्लॉटिंग समस्या, खट्टी डिकारे, पेट फूलना, ये सारी समस्याएं अगर आपको होती हैं, तो आप कच्चे प्याज का सेवन शुरू कर दें। क्योंकि प्याज में होता है फाइबर जो आपके पेट में गैस कब्ज को बनने नहीं देता और आपके पाचन तंत्र को बहुत ही बेहतर बनाता है। और अगर आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा तो आप जो खाना खा रहे हैं उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फैट में नहीं, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका वेट भी लूज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं या जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप गोली खाना शुरू कर दो, आपको डायबिटीज हो गई है। लेकिन वो आपसे कभी नहीं कहता कि ये बीमारी आपकी लाइलाज नहीं है, बल्कि इलाज संभव है। अगर आप डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो आप प्याज का सेवन शुरू कर दें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था और पाया था कि चूहों को जब कच्चा प्याज खिलाया गया तो उनके ब्लड में से शुगर लेवल कम हो गया था, जिसका कारण है कि मधुमेह के मरीजों के लिए प्याज बहुत जरूरी है। इसमें होता है सल्फर, क्वेरसेटिन,
एंटीबायोटिक गुण जो आपके रक्त में से शुगर के लेवल को खत्म करता है। आज से ही आप इसका सेवन शुरू करें तो इससे आप फ्यूचर में डायबिटीज से बच पाएंगे। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी को अगर और बेहतर बनाना चाहते हैं इन सब बीमारियों के अलावा, तो अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, पानी ज्यादा इनटेक करें और एक अच्छी डाइट लें, क्योंकि आपका शरीर है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तभी आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और ऐसे ही हमेशा आपकी सेहत से जुड़े कुछ बेहतरीन वीडियो मैं लाती रहूंगी, आपकी सेहत को और ज्यादा बेहतर बनाती रहूंगी। मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, कुछ नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।